माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नई सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ, तो बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ बहुत ही प्यारा और बहुत ही मुंह में घुल जाने वाली हमारी मटर पनीर, जो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसमें मैंने कोई झंझट वाली चीज नहीं बताई है आपको, और बहुत ही आसान तरीके से बताया है मैंने। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसका ग्रेवी बना है, बहुत ही प्यारा बना है ये देख सकते हैं, और पनीर भी हमारा कितना अच्छा से खिला खिला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे घंटी दबाना ना भूले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। अब ये मैंने रफली प्याज काट लिया, 2 बड़े प्याज है, इसे डालना है और इसे सॉटे करना है। थोड़ा सा इसे हम हल्का भुनेंगे क्योंकि इसे हमें एक पेस्ट बनाना है, इसलिए इसे ज्यादा नहीं भुनना है, हल्का इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम भुनेंगे, इतना भुनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन जो मैंने छील लिया है अच्छे से, ये 7 से 8 कलियां हैं, आप चाहे तो पेस्ट भी दे सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे अदरक, आप चाहे तो अदरक का पेस्ट भी दे सकते हैं, मैंने इसी तरह रफली काट लिया है और इसे भी हम भून लेंगे। देखिए हल्का प्याज कलर चेंज हो गया कलर, इसमें हम 2 बड़े टमाटर काट के रफली हमने काटा है और इसे भी हम भून लेंगे। अब थोड़ा सा अब हमें मटर पनीर को स्पाइसी बनाने के लिए हमने इसमें हरी मिर्च काट कर डालेंगे। ये देखिए हरी मिर्च को हमने काट लिया, ये हमारा 4 हरी मिर्च है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप जितना भी तीखा खाते हो। तो इसे ढक देते थोड़ा देर के लिए और उसके बाद गैस को हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए अब हम इसे देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से हमारा ये सोटे हो गया है, सभी चीज अच्छे से थोड़ा सा पक गया है। तो गैस के फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसे हम बारीक पेस्ट बना लेंगे, एकदम बारीक पीसना है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे तेल, 1 चम्मच, ज्यादा नहीं डालना है, और हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। तो 1 चम्मच हम जीरा डाल देते हैं और इसे चटकने देते हैं। जीरा चटकने के बाद इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च, और लाल मिर्च डालने के बाद हमें तुरंत हमें जो हमने प्यूरी बनाई थी ये डाल देना है। हल्दी अभी नहीं डालना है हमें, अभी इसे हम भुनेंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा मसाला ऐड कर देते हैं। मैं एकदम सिंपल आपको बता रही हूँ, इसमें ना काजू देंगे ना मलाई देंगे, कुछ भी नहीं हमें देना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी, कोई भी घर का दम हमारा जो भी सामान है उसी से बताऊंगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, तो थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया, ज़्यादा हमें मसाला नहीं देना है, और इसे हम अच्छे से भुनने देंगे, ढक देते हैं। तो ये देखिए बीच बीच में मैंने मसाला को चलाया था, ये देखिए अच्छे से हमारा भून गया है, अभी और थोड़ा सा भुनेगा। तो इसमें हम डाल देंगे मटर, मटर को हम डाल देते हैं थोड़ा सा भूनने के लिए, आप चाहे तो पनीर को भी डालकर भून सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही, मैं सिर्फ मटर को डाल रही हूँ, और इसे ढक देते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, इसे मिला लेते हैं और इसे ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए अब एक और हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए मसाला अच्छे से हमारा भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी,
पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप जैसा भी खाना चाहें। अगर आप थिक वाली ग्रेवी खाना चाहते हैं तो आप कम ही पानी डालें। तो ये देखिए मैं इसमें डाल दी थोड़ा सा। अब इसमें हम डालेंगे पनीर। ये देखिए इसमें हम पनीर डाल देंगे। सभी पनीर को हम डाल देते हैं। पनीर को हमने डाल दिया, अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। तो ये देखिए 5 मिनट हमारा हो गया है। तो अब इसमें हम लास्ट डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देते हैं और धनिया पत्ता, और इसे हम मिला लेते हैं अच्छे से। वाव, आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये हमारा मटर पनीर बनके तैयार हो रहा है। बस इसे मैं और 5 मिनट के लिए पकने देती हूँ। ये देखिए गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता। तो मैं आपको एक बार चला के दिखाती हूँ कि कितना प्यारा हमारा बना है, देख सकते हैं। वाव, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म मटर पनीर बन के तैयार है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा बना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ लाइक करने से क्या होता है कि हमें लगता है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसलिए आप लाइक कर रहे हो, मुझे पसंद कर रहे हो, तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू, अच्छा लग रहा है।